सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको एक कॉलेज के बारे में बताएंगे जिसमें आप चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेने पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो जैसा कि आपका यूपीएससीटी का जो काउंसलिंग था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको किसी भी राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, और जैसा कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लेटरल इंटेक कोर्स वाले थे, और आपको पता ही होगा कि यूपीएससीटी काउंसलिंग में इस बार लेटरल इंटेक के लिए सिर्फ 2 राउंड ही काउंसलिंग हुई थी। तो ये जो कॉलेज हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें आप चाहे तो फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहे तो सेकेंड ईयर में लेटरल इंटेक भी ले सकते हैं। तो चलिए आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो कॉलेज है इसमें सिर्फ 2 ही कोर्स हैं, एक तो है बी फार्मा और दूसरा है डी फार्मा। तो डी फार्मा के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करते हैं बी फार्मा कोर्स की। तो ये जो कॉलेज है उसका नाम है विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बेंगलुरु, कर्नाटका। तो इसमें जो आपका बी फार्मा कोर्स है उसकी जो फीस है एक साल की वो है 60,000 रुपए पर ईयर। जो आपका 60,000 रुपए पर ईयर फीस है ना, इसमें 30,000 रुपए ट्यूशन फीस है और भी बाकी जो 30,000 रुपए हैं उसमें कई सारे फीस हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो इस हिसाब से जो आपकी टोटल 4 साल की फीस होगी वो होगी 2,24,000। वहीं पे अगर आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, लेटरल इंटेक लेते हैं, तो इस हिसाब से जो आपकी टोटल फीस होगी 3 साल की वो होगी 1,80,000। वहीं पे अगर इसका एक सेमेस्टर का जो फीस बनता है वो बनता है 30,000 रुपए पर सेमेस्टर। आप चाहें तो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से भी इसमें आप चाहें तो पे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके कोर्स की फीस की, अब बात करते हैं इसमें हॉस्टल फीस की। तो इसका जो हॉस्टल फीस है ना वो है 5,000 रुपए पर मंथ, जिसमें कि आपको 3 टाइम का फूड मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। अगर आपके क्लास 12th में 95% से ऊपर मार्क्स बने हुए हैं तो जो आपका ट्यूशन फीस होगा उसका 95% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। वहीं पे अगर आपका 90% से लेकर के 94.99% बनता है तो इसके लिए जो आपका स्कॉलरशिप मिलेगा वो ट्यूशन फीस का 90% मिलेगा स्कॉलरशिप आपको। वहीं पे अगर आपका परसेंटेज आपके क्लास 12th में 80 से लेकर के 89.99% बनता है तो इसके लिए आपको 70% स्कॉलरशिप मिलेगा आपके ट्यूशन फीस का। वहीं पे आपके क्लास 12th का परसेंटेज अगर 70 से लेकर के 79.99% होता है तो इसके लिए आपको 60% स्कॉलरशिप मिलेगा आपके ट्यूशन फीस पे। वहीं पे अगर आपका परसेंटेज आपके क्लास 12th में 60 से लेकर के 69.99% होता है तो इसके लिए आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा आपके ट्यूशन फीस पे। तो ये तो बात हो गई आपके स्कॉलरशिप की, अब बात करते हैं इसके अप्रूवल के बारे में कि इस कॉलेज को कहाँ से अप्रूवल मिला हुआ है। तो ये जो कॉलेज है इसको अप्रूवल मिला हुआ है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहां से भी इसका चेक कर सकते हैं, वहां पे ये दिया हुआ है। और वहीं पर अगर हम इसके अदर फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें कि इस कॉलेज में आपको और कौन कौन से फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो उसमें नंबर 1 स्कॉलरशिप सपोर्ट, मतलब इसमें आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट मिलता है। नंबर 2 नो रैगिंग इन कॉलेज, मतलब इस कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है। नंबर 3 हॉस्टल फैसिलिटीज़, इसमें आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी दी जाती है जिसमें कि आपको 3 टाइम्स का फूड मिलता है, नॉर्थ इंडियन या फिर साउथ इंडियन। उसके बाद नंबर 4 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, इसमें आपको प्लेसमेंट के लिए भी सपोर्ट किया जाता है। नंबर 5 ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर, मतलब इसमें आप चाहें तो ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, बिना जाए हुए भी एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 6 एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, मतलब इसकी जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस्ड है। नंबर 7 स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब इस कॉलेज में स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसको आप चाहें तो ले सकते हैं। नंबर 8 100% सिलेबस कवरिंग, मतलब इस कॉलेज में सिलेबस भी कवर किया जाता है 100%। नंबर 9 इंडस्ट्रियल विजिट, इसमें इंडस्ट्रियल विजिट भी होती है। नंबर 10 फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और इस कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली है। तो आप बात करते हैं इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की कि इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके क्लासेस देख सकते हैं, इसके लैब्स देख सकते हैं, इसके क्लासरूम्स देख सकते हैं, लाइब्रेरीज देख सकते हैं, और भी जो इसमें चीज़ें हैं वो चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रहा विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी का फुल डिटेल्स। अगर आप बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप चाहे तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पे इस टाइम पे आप एक नंबर देख रहे होंगे, अगर आप वाकई में इसमें इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है,